तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल सुपर जीके टेक्स में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एप्लीकेशन है SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, जो के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास 11 के साथ साथ 9, 10, 11, 12 तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग हर साल पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, आपका जो हो आप लिख सकते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल। फिर आपको जगह का नाम लिखना है, मैंने लिख दिया आरोन गुना मध्य प्रदेश। तो मैंने ये बहुत ही सरल भाषा में लिखा है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, ज़्यादा टफ शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों का प्रयोग किया है जिससे आपको इसे पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल आरोन गुना मध्य प्रदेश। फिर हमको लिखना है सब्जेक्ट, तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं फोर किसकी, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू स्टेट डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं 9th, 10th, 11th, 12th, आप वो लिख सकते हैं। ऑफ योर स्कूल आई बैक टू स्टेट डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू गुना, तो आप यहाँ गुना की जगह ग्वालियर, इंदौर, रीवा कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू गुना, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हेयर। तो काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या SLC लिख सकते हैं, काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आई विल बी ऑब्लाइज टू यू। फिर आपको लिखना है योर ओबीडियंटली, उसके बाद आपको नेम लिखना है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, पेपर में दिया हो तो वो ही नाम लिखना है, अगर नहीं दिया तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप XYZ लिख सकते हैं। और उसके बाद आप क्लास डालना चाहते हैं डाल सकते हैं और डेट भी डाल सकते हैं। तो यही था SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करके मैंने आपको बताया है SLC का एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के बाद आपको बुक बैंक, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी की वीडियो मिल जाएंगी, तो आप जब तक इंतजार कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।